नमस्कार, आपका स्वागत है RPR एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे बिहार की न्यू भर्ती के बारे में, न्यू वैकेंसीज के बारे में, जो कि ऑनलाइन फॉर्म आप लोग का ये 2020 के लिए भराया जाना है, जिसके लिए आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी हो चुकी है। पदनाम की बात करें तो HDO सहित वेरियस पोस्ट पर यह वैकेंसीज आप लोग का है। टोटल सीट की बात करें तो 300 प्लस सीटों पर यह भर्ती आप लोग का लिया जाएगा। तो इस भर्ती से संबंधित आप लोग को एजुकेशन क्वालिफिकेशन सहित और भी इत्यादि जानकारी शॉर्टकट तरीके से देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमने ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। कुछ इस प्रकार से आप लोग देख पाएंगे, हमने जो है आए हुए हैं BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो BPSC के तहत अभी लगभग जो है 6 से 7 अलग अलग पदों पर भर्ती लिया जाना है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे आज का लेटेस्ट जो है नोटिफिकेशन जारी हुई है। आप लोग का ये भर्ती जो है, वैकेंसीज जो है, कुछ इस प्रकार से है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे अच्छे से जो है पूरी भर्ती की जो है जानकारी को एक जगह एकत्रित कर दिए हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें, जो पोस्ट है वो आप लोग का प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, जिसके लिए आप लोग का पद संख्या 7 है। इसके लिए आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है PhD होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। दूसरी जो आप लोग का पोस्ट है वो आप लोग का जो है BPSC प्रोफेसर के लिए है। प्रोफेसर किन के लिए? स्पेशल जो है कंप्यूटर साइंस, जिसमें आप लोग का जो है 12 पोस्ट संख्या है, ठीक है, पद संख्या, यानी कि टोटल 12 सीट है। इसके लिए आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है PhD होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। तीसरी पोस्ट की बात करेंगे, जो BPSC के थ्रू निकाला गया है, असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए, जिसमें आप लोग का जो है कुल पद संख्या 8 है। इसके लिए आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन PhD होना चाहिए केमिस्ट्री में। चौथी पोस्ट आप लोग का जो है वो प्रिंसिपल के लिए है, इसमें कुल आप लोग का पोस्ट संख्या जो है 32 है। इसमें आप लोग का जो है PhD होना चाहिए इंग्लिश में। वही आप लोग का जो है पाँचवीं पोस्ट है वो आप लोग का लेक्चरर के लिए है, जिसमें आप लोग का सबसे ज़्यादा पोस्ट है 199, ठीक है, जिसके लिए आप लोग का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप लोग का BE या फिर BTEC या फिर जो है BS या फिर BSc होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से या फिर आप लोग का जो है टेक्नोलॉजी से। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग का छठी नंबर जो पोस्ट है वो आप लोग का प्रिंसिपल के लिए है, जिसमें आप लोग का कुल पद संख्या 25 है। इसमें जो है जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है, डिग्री होना चाहिए PG पे या फिर इंजीनियरिंग या फिर आप लोग का जो है टेक्नोलॉजी होना चाहिए PhD में। वही आप बात करेंगे आखिरी पोस्ट की, जो कि BPSC के थ्रू HDO की है, जिसमें आप लोग का कुल 36 पद संख्या है। इसमें आप लोग का PG डिग्री होना चाहिए या फिर PhD की होना चाहिए आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से या फिर आप लोग का टेक्नोलॉजी से। ये आप लोग का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया है। अगर आप लोग का यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो इन पदों पर आप लोग आवेदन दे सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है, आप लोग आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। तो आप लोग को बता दें, ये आप लोग को शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन दिए हैं, और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए, फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग नोटिफिकेशन को विजिट कीजिएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सभी का नोटिफिकेशन अलग अलग से डाउनलोड कर लीजिए। अलग अलग से नोटिफिकेशन दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। जिस पोस्ट के लिए आप लोग का जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आप लोग सटीक से जाके डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ लीजिए, ताकि आप लोग को परिपूर्ण जानकारी मिल सके। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आप लोग को बिहार की न्यू भर्ती की, न्यू वैकेंसीज की जानकारी दी। इसी तरह आगे इस भर्ती से जुड़ी जो भी अपडेट आएगी वो आप लोग को इसी तरह अवगत कराते रहेंगे, और पेपर के माध्यम से जो सूचना निकल के आएगी वो आप लोग को फेसबुक पेज के माध्यम से अपडेट करेंगे। तो फेसबुक पेज को भी जाके लाइक एंड फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आशा करेंगे आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल रहा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।